तो गाइस फ्री फायर गेम में काफी सारे बंदे हैक तो यूज कर लेते हैं। आपको पता है काफी सारे बंदे के टाइम पे हैक भी यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी आईडी बैन हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। उनको सही तरीका नहीं पता हैक यूज करने का। मेरे कहने का मतलब है मैं आपको आज वही तरीका बताने वाला हूँ, वही सही तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी हैक वगैरह यूज करो तब भी आपकी आईडी इधर पे बैन नहीं होने वाली, ना ही सस्पेंड होने वाली है। गरीना का बाप भी आपकी आईडी बैन नहीं कर सकता। अगर ये दो ट्रिक मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, इन दोनों ट्रिक को अगर आप यूज करते हो तो आप कोई भी हैक यूज करो, चाहे कोई भी हैक, फिर भी आपकी आईडी इधर पे बैन नहीं होने वाली। मैं आपको पहले बताया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं आपने कोई भी हैक मैंने बोल दिया तो आप कोई भी हैक यूज कर लोगे, लेकिन एक दो या कुछ ऐसे एक दो तीन कुछ ऐसे इधर पे हैक होते हैं जो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं जिनको आप अगर यूज करके गेम में चले भी जाओगे ना तो गिरना वाला तुरंत इधर पे डिटेक्ट कर लेगा, तो आपकी आईडी सीधी इधर पे बैन और सस्पेंड कर देगा। तो एक दो हैक जो कि इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा जो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, किसी के कहने पर भी यूज नहीं करना है, और बाकी जो हैक वो आप यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में वो हैक भी बताने वाला हूं कौन से हैक आपको यूज करने और कौन से हैक आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने। और जो ये ट्रिक मैं आपको बताने बहुत ही कम बंदों को ये ट्रिक बताई, ये बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस ट्रिक को यूज करते हैं। जैसे कि इधर पे एनजी के प्लेयर्स आप देखते होगे स्मो ट्रिपल वॉर, इधर मैं किसी को एक्सपोज वगैरह नहीं कर रहा हूँ, इधर पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ। वो आप देखते होगे नॉन स्टॉप गेमिंग की इधर पे वीडियोस में लाइव स्ट्रीमिंग में देखते होंगे, वो रेड नंबर सिर्फ मारते हैं और रेड नंबर में सिर्फ बात करते हैं, व्हाइट नंबर वो मारते ही नहीं है, बिकॉज वो भी हैक यूज करते हैं। लेकिन उनकी आईडी सस्पेंड क्यों नहीं होती, उनकी आईडी बैन क्यों नहीं होती, इतने टाइम से हैक यूज कर रहे हैं, उनकी एक ही आईडी में वो हैक यूज कर रहे हैं बार बार बार, लेकिन उनकी आईडी अब तक बैन नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो इन ट्रिक का यूज करते हैं जो कि इधर पे सिर्फ उनको पता है, सिर्फ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पता है और किसी को नहीं पता है। वो किसी को बताना ही नहीं चाहते, बिकॉज अगर वो किसी को बता देंगे तो बाकी भी प्रो बन जाएंगे, इधर पे हैक यूज करेंगे, इधर पे हेडशॉट वगैरह मारेंगे, इसलिए वो बहुत कम बंदों को ये ट्रिक के बारे में पता है। लेकिन आज ये ट्रिक उनका सीक्रेट मैं इधर पे रिवील करने वाला हूँ आप सभी लोगों को, जिससे आप जो भी हैक यूज कर लो और आपकी आईडी इधर पे सस्पेंड या बैन कुछ भी ना हो, और कोई भी आपकी आईडी इधर पे बैन नहीं कर सकता अगर आप इस वीडियो में वो ट्रिक को ध्यान से देखते हो तो, और इस ट्रिक को सही से अप्लाई कर लेते हो तो। और इस ट्रिक के बारे में शायद यूट्यूब पे आपको किसी बंदे ने शायद ही बताया होगा, किसी ने भी नहीं बताया होगा इन ट्रिक के बारे में जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम पहले ट्रिक के बारे में बात करते हैं, पहले ट्रिक इधर पे क्या होने वाली है जिसको आप यूज करो कोई भी हैक और आपकी आईडी इधर पे बैन या सस्पेंड ना हो। देखो अगर आप जब भी हैक यूज करते हो, ध्यान से सुनना, आप जब भी इधर पे हैक वगैरह यूज करते हो, हैक यूज करने बाद आपने जैसे हेडशॉट हैक यूज करा फॉर एग्जांपल, तो यहां पर आप गेम में चले गए और काफी सारे बंदों को हेडशॉट मारा, आपकी आईडी तब बैन होती है जब यहां पर सामने वाला बंदा आपको रिपोर्ट करेगा, तभी आपकी आईडी बैन होगी। बिकॉज जब रिपोर्ट करेगा तभी गरेना के पास वो रिपोर्ट जाएगी, तभी गरेना रिपोर्ट को चेक करेगी, तभी जाकर आपकी आईडी इधर पे बैन और सस्पेंड करेगी, कुछ जो भी करेगी इधर पे बैन करेगी सस्पेंड, तो गरेना तब करेगी। देखो यहाँ पर अगर आप उन रिपोर्ट को ही डिलीट कर दो तो आपकी आईडी बैन हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो ये बात सोचो। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ रिपोर्ट को किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। देखो अगर आप रिपोर्ट को डिलीट कर दो तो आपकी आईडी बैन भी नहीं होगी, अगर आप उन रिपोर्ट को ही डिलीट कर दोगे तो गरेना फ्री फायर के पास वो रिपोर्ट जाएगी नहीं कि किसने आपको इधर पे रिपोर्ट करी है, जिससे वो गरेना आपकी आईडी बैन करे उन रिपोर्ट्स को देखने बाद। बिकॉज जब आपको रिपोर्ट पड़ती है तभी गरेना आपकी आईडी बैन करती है, उसके अलावा गरेना आपकी आईडी बैन नहीं कर सकते। और ये सीक्रेट ट्रिक है, बहुत कम बंदों को पता है इधर पे रिपोर्ट किस तरीके से फ्री फायर की डिलीट करते हैं। देखो तो गाइस रिपोर्ट को डिलीट करना बहुत ही ज्यादा इधर पे सिंपल तरीका है, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल, आप रिपोर्ट को बड़ी इजीली डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं रिपोर्ट डिलीट करने के बारे में यूट्यूब पे बताऊं तो गरेना फ्री फायर इस पे स्ट्राइक दे देगी तुरंत ही, फिर ये वीडियो टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब कि जो वीडियो आपको नहीं मिलेगी, फिर कोई भी बंदा इस वीडियो को नहीं दे सकता, आपको पता है। तो यहाँ पर है ना इस वीडियो को मतलब नहीं बताने वाला, इस वीडियो में नहीं बताने वाला आप किस तरह से रिपोर्ट डिलीट कर सकते हो। फिर आप बोलोगे भाई फिर हम कैसे रिपोर्ट को डिलीट करना सीखेंगे, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो की लिंक दे दूंगा जिस वीडियो को आप देखकर फ्री फायर की रिपोर्ट को डिलीट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओगे मेरे, वहां पर आपको ये वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इस वीडियो को देखकर अपने फ्री फायर में जो भी रिपोर्ट डिलीट कर सकते हो और आप बड़ी इजीली इधर पे कोई भी हैक यूज करके खेल सकते हो। लेकिन आपको कुछ हैक जो यूज नहीं करने, एक दो तीन हैक जो कि इस वीडियो में बता दूंगा, वो हैक आपको यूज नहीं कर रहे, वो आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो का एंड तक देखते रहना, नहीं तो आप बोलोगे भाई हमने हैक यूज करा हमारी आईडी इधर पे बैन हो गई। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, सही से देखोगे, तो आपके आईडी इधर पे बैन और सस्पेंड कोई भी नहीं कर सकता, गरेना का बाप भी नहीं कर सकता। अच्छा अगर आप फ्री फायर में इस ट्रिक को भी अप्लाई कर लेते हो तो रिपोर्ट को भी डिलीट कर देते हो, तभी आपकी आईडी इधर पे बैन नहीं होगी, बिकॉज रिपोर्ट काफी सारे बंदे आपको करेंगे तभी गरेना आईडी बैन करेगी, उसके अलावा गरेना भी आईडी बैन नहीं कर सकती है। अब चलो तो भैया आपने रिपोर्ट को भी डिलीट कर दिया, अगर आपने रिपोर्ट को भी गेम में से इधर पे डिलीट कर दिया तब भी आपकी आईडी बैन हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर आप हर एक हैक में तो गेम को ओपन करके मतलब गेम को नहीं खेलेंगे, बिकॉज काफी सारे हैक ऐसे होते हैं जो बिना गेम के यूज करे जाते हैं, बिना गेम खेले यूज कर जाते हैं। जैसे इधर पे काफी सारे इधर पे डायमंड हैक, अनलिमिटेड कॉइन हैक, ये है ना, इसमें आपको गेम नहीं खेलना पड़ता, इसमें तो आपको गेम में इधर पे हैक वगैरह इधर पे करते हो,
बोला गेम में हैक वगैरह यूज करते हो, गेम में डायमंड हैक करते हो, उसमें गेम आपको खेलना नहीं होता। तो इन हैक्स को आपको किस तरीके से इधर से बचना है, मतलब कि आप ये हैक यूज कर लो और आपके इधर पे बैन भी ना हो, जैसे कि आपने इधर पे कॉन्फिग लोकेशन ये वगैरह हैक यूज कर लिया। मतलब काफी सारे हैक होते हैं, मतलब एक टाइप के हैक नहीं होते, सिर्फ हेडशॉट हैक है, ऐसा नहीं कि हेडशॉट हैक हमारे फ्री फायर गेम में काफी सारे इधर पे हैक है। तो आपको ना बाकी हैक्स जो इधर पे रहेगा, जैसे कि आप गेम वगैरह में कोई यूज करते हो हैक गेम ओपन करते टाइम, तो उन हैक्स को आप किस तरीके से इधर पे आपको गरीना को पता नहीं लगे और आप वो हैक भी यूज कर लो और आपकी आईडी भी बैन ना हो, वो ट्रिक नंबर 2 में बताने वाला हूँ। तो उसको भी ध्यान से देखते रहना कि आप कोई भी हैक इधर पे गेम में यूज कर लो और आपकी आईडी इधर पे बैन ना हो। तो ट्रिक नंबर 2 में आपको क्या करना है, बेसिकली मैं अपने गेम में जाकर आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर मैं अपने गेम में आ चुका हूँ। गेम में आने के बाद आप क्या करें, इधर पर मेरा एयरड्रॉप आ रहा था 9 रुपये का, तो यहाँ पर इसको हटाते हैं। ये मेरा गेस्ट अकाउंट है, ये मैंने अभी न्यू अकाउंट बनाया, इससे अभी मैं खेलता हूँ, थोड़ा सा न्यू अकाउंट है मेरा। तो यहाँ पर जैसे आप इवेंट को ओपन करोगे, जैसे आप इवेंट को ओपन करोगे तो यहाँ पर इवेंट की टाइमिंग देखो, पर टाइमिंग नहीं करी थी सभी इवेंट की, यहाँ पर 12 दिन के बाद इवेंट खत्म होगा। जैसे इवेंट की टाइमिंग देखे और सभी में अलग अलग टाइमिंग होती है, जैसे ये 12 दिन बाद ये खत्म होने वाला है। और यहाँ पर इधर पे दूसरी ट्रिक मतलब यहाँ पर मतलब दूसरे इवेंट पे देखो, इधर पे 5 दिन बाद ये इवेंट खत्म होने वाला है, ठीक है। आपको इधर पे टाइमिंग चेक करनी है सबसे पहले, और ये इवेंट है ना 3 दिन बाद खत्म होने वाला है, और यहाँ पर ये 46 डेज बाद इधर पे खत्म होगा, ये भी 46 डेज, ये 47 डेज, इधर पे इतने दिन में खत्म होने वाला। तो आपको ना क्या करना है, जिस इवेंट हो ना, जो इवेंट सबसे पहले इधर पे खत्म होने वाले, मतलब जिस इवेंट में टाइमिंग सबसे ज्यादा कम है, जैसे इवेंट में 3 दिन की टाइमिंग है, सबसे पहले इधर पे खत्म होगा। तो यहाँ पर है ना, जैसे इवेंट खत्म होता है हमारे गेम में, आपको बताया कि इवेंट खत्म होने के बाद गरीना फ्री फायर गेम में इधर पे छोटा सा अपडेट देते हैं, इवेंट खत्म होने के बाद दूसरा इवेंट होते हैं कि आपको पता है, और अपडेट वगैरह भी लाते हैं, छोटा सा इधर पे अपडेट लाते हैं, इधर पे 10-20 MB का पता नहीं कितना लाती है, लेकिन यहाँ पर अपडेट जरूर आता है, वो इवेंट के खत्म होने के बाद आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक इवेंट पर इधर आपको देखते रहना, जैसे इवेंट 3 दिन पहले वो मैंने इवेंट दिखा, ये खत्म होने वाला है 3 दिन के बाद, तो आपको ना 3 दिन से पहले आपको इधर पे अपने आईडी में से हैक को रिमूव करना होगा। देखो मैं आपको यहाँ पर बताया, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि सबसे पहले कौन सा इवेंट खत्म होने वाला है, ये आपको आपने चेक कर लिया। उसके बाद ना वो इवेंट जब खत्म होने वाला होता है ना, उस खत्म होने से 1 मिनट पहले भी अगर आप गेम में से हैक को रिमूव कर दोगे, तब भी आपकी आईडी इधर पे बैन नहीं होगी। मतलब इट मीन्स आपको एक बार सही से समझा देता हूँ, इवेंट जैसे इधर पे खत्म होने में इधर पे 5 घंटे बाकी है, तो आप ना उस इवेंट के खत्म होने से 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले, 10 मिनट पहले, जिस भी टाइम, लेके आपको ना बस इवेंट के खत्म होने से पहले हैक को रिमूव कर देना, वो 1 मिनट पहले करो, 30 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले, कितने सेकंड पहले भी करो, या फिर मिनट, कितने भी मिनट पहले करो, लेकिन आपको इवेंट खत्म होने से पहले हैक को रिमूव कर देना है, तब आपकी आईडी बिल्कुल भी बैन नहीं होने वाली। बिकॉज इवेंट मतलब आता है ना फ्री फायर गेम में, उसके बाद अपडेट देते गरीना, और ये भी चेक कर लेती उसी टाइम पर कि कौन कौन बंदे हैक यूज करके खेल रहा है, कौन बंदा सही तरीके से कर रहा है। बिकॉज गरीना फ्री फायर है ना हैक, और उसको लेकर काफी ज्यादा एडवांस लेवल पर चली गई है, काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, काफी सारे नए नए चीजें इधर पे हैकर्स को लेकर ऐड करे, जिससे कि जो भी गेम में हैक यूज करे उसकी आईडी तुरंत बैन की जाए। यहाँ पर जब भी इधर पे गरीना है ना एक्टिव रहती है, सारी चीजें चेक करती रहती है, गेम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, हैकर्स कितने इधर पे गेम में चल रहे हैं, मतलब हैक को यूज करके खेल रहा है नहीं खेल रहा है। यहाँ पर हम इधर पे अपडेट देती रहते हैं 2-2 दिन में, इधर पे 1-1 दिन में जैसे इवेंट खत्म होता है तो अपडेट देगी, इसलिए इवेंट वगैरह जैसे देती है तो यहाँ पर चेक भी करती रहती है। गरीना फ्री फायर की पूरी एक टीम है, ये नहीं है कि एक बंदा सिर्फ इस गेम को संभाल रहा है, आपको बताएगी पूरी कंपनी है, तो काफी सारे लोग होंगे, कोई हैकर्स को इधर पे देख रहा है, कोई इवेंट को मैनेज कर रहा है, कोई किस चीज को अलग अलग चीज को इधर पे मैनेज कर रहे हैं, सारे इधर पे लोग। तो इधर पे क्या कर रहे हैं कि जो भी हैक यूज करता मिल गया, मतलब कि इवेंट खत्म होते जैसे अपडेट किया, अगर किसी ने हैक रिमूव नहीं करा, जैसे आपने हैक रिमूव नहीं करा इवेंट के खत्म होने के बाद, तो आपको ना आपके इधर पे परमानेंटली इधर पे सस्पेंड वगैरह कर दी जाएगी, बैन कर दी जाएगी, इसलिए इसको भी आपको ध्यान रखना है। इधर पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा इवेंट को देखता रहना पड़ेगा, कौन सा इवेंट कब आ रहा है, कौन सा इवेंट कब जा रहा है, और इसमें आपको बड़े यूट्यूबर्स यही करते ज्यादातर, वो इवेंट को चेक करते रहते हैं कि इवेंट कब आ रहा कब जा रहा है। वो बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं, इवेंट खत्म होने से पहले अपनी आईडी में से हैक को रिमूव कर देते हैं, जिससे उनकी आईडी भी बैन नहीं होती है। बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे कि इधर पे टोटल गेमिंग अमित भाई, ये तो इन ट्रिक का यूज नहीं करते, आप देखते हो इनका गेम प्ले बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, वो हैक का यूज नहीं करते। जो इधर पे एनजी के प्लेयर्स है वो सारे इधर पे हैकर्स है, इधर पे मैं उनको इधर पे एक्सपोज वगैरह नहीं कर रहा हूँ, कभी वो चैनल पे इस वीडियो पर स्ट्राइक दे दे, इसलिए मैं ज्यादा उनके बारे में बताऊँ नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स वो हैक यूज करते हैं भाई, जो एनजी के प्लेयर्स आप देखते हो, वो इन्हीं 2 ट्रिक का भी बेसिकली ज्यादातर यूज करते हैं, और भी बहुत सारी ट्रिक है, 2-4 ट्रिक और है, लेकिन यहाँ पर 2 ट्रिक मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आप और भी ट्रिक जाने तो कमेंट वगैरह कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये 2 ट्रिक काफी ज्यादा मेन है, यही ज्यादातर बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज करते हैं। तो अगर आप इन दोनों ट्रिक को भी ध्यान रखते हो, गेम को खेलोगे, हैक यूज करोगे, तब भी आपके इधर पे कहीं ना कोई भी बाप आपकी आईडी बैन नहीं कर सकता, मतलब गरीना भी आपकी आईडी बैन नहीं कर सकती, गरीना फ्री फायर आपकी कोई भी आईडी बैन नहीं कर सकती अगर आप इस हैक का यूज करते हो। इसलिए जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, इनकी आईडी बहुत ही कम इधर पे
बैन होती है, मतलब कि ना के बराबर इनकी आईडी बैन होती है, बिकॉज ये यही ट्रिका यूज करते हैं, जो कि मैंने आज के वीडियो में आपको बता दिया। सॉरी, तो गाइस मैं आपको एक चीज बताने ही भूल गया कि आपको कौन से आईक्यूज करने हैं और कौन से आईक्यूज नहीं करने हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन से आईक्यूज आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप कॉन्फिग फाइल यूज कर सकते हो, पैनल, लोकेशन, ये हैक आप यूज कर सकते हो, बिकॉज ये नॉर्मल हैक होते हैं, हर कोई इसको यूज करता रहता है। और मैं बता दूं आपको ऐसे हैक जो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं, बिल्कुल इधर पे गलती से भी यूज नहीं करने, नहीं तो आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ना अनलिमिटेड डायमंड हैक, वॉल हैक, फ्लाइंग हैक, ऐसे हैक बिल्कुल भी यूज नहीं करने, बिकॉज ये बहुत ही खतरनाक हैक होते हैं। तो आपको ये हैक यूज करने और ये हैक यूज नहीं करने मैंने आपको बता दिया है। ये बंद दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ दोनों ट्रिक। पहली ट्रिक में आपको रिपोर्ट अपनी डिलीट करनी होगी, जो भी आपको रिपोर्ट वगैरह पड़ी है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया अपने उस वीडियो की लिंक, जिससे आप रिपोर्ट डिलीट कर सकते हो। वीडियो देखने बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर लेना। और यहाँ पर दूसरी ट्रिक, आपको इवेंट पर ध्यान देना होगा, गेम पर ध्यान देना होगा, एक्टिव रहना होगा, कौन सा इवेंट कब हो रहा है उससे पहले हैक को रिमूव करना होगा। दोनों ट्रिक मैंने आज के वीडियो में बता दिया, आपको कोई कंफ्यूजन सही से समझ नहीं आया तो वीडियो को ध्यान से देख सकते हो। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में बता देना, कमेंट में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको कमेंट में रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज वीडियो में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर देना, बिकॉज हमें जल्द से 5000 सब्सक्राइबर तक कंप्लीट करने, सब्सक्राइब कर देना। इधर पे सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, छोड़ दो, कुछ भी कर दो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। और मेरे अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जिसने फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हो, मेरे पिक्स वगैरह को वहाँ पर लाइक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।